सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो भाई हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अब आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? कमला नगर शॉपिंग करने। तो भाई थोड़ी सी शॉपिंग करूँगा मैं अपनी समर्स की, क्योंकि कनाडा से तो मैं लाया नहीं कपड़े, तो यहीं से ही समर्स की शॉपिंग करूँगा। देखते हैं कमला नगर जाते हैं, वहाँ का प्राइस चेक करते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं कि वहाँ के कपड़े अफोर्डेबल हैं या नहीं। क्या कह रहे हो? टॉस किस लिए कर रहा है? टॉस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी से जाऊँ या स्कूटी से जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे आप बताओ कैसे जाऊँ? गाड़ी से जाऊँ ना, मैं भी ये सोच रहा हूँ यार। पर फिर गाड़ी का ये होगा कि पार्किंग का चक्कर ना पड़े बहुत। तो फिर क्या कह रहा है गाड़ी से? इसलिए कि पोल्यूशन बहुत है, कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़े का है भाई, फेस का नहीं है, मेरी शक्ल खराब हो रही है यहाँ पर। भाई देखो, ये आंटी आई तो हेड है और ये बोट आई तो टेल है। सही से उछालना। हाँ ये क्या भाई, हेड या टेल? टेल। अबे हमने डिसाइड तो कर ही नहीं था, हेड पे क्या था टेल पे क्या था। एवं मेरी बात सुना, हेड पे गाड़ी, टेल पे स्कूटी। चलो ऐसे करते हैं। हाँ गाड़ी आ गई, चलो। भाई फाइनली मेरी प्यारी सी गाड़ी वापस। तो भाई गाड़ी में जाएंगे, स्कूटी में तो भाई हालत खराब हो जाती। मैं अपने घर से स्कूटी पे आया हूँ गाड़ी लेने, चाचा के घर खड़ी रखी थी हमने दूसरी पार्किंग में। भाई साहब इतनी गर्मी बर्दाश्त से बाहर। तो चलो ठीक है, गाड़ी पे जाएंगे मजे से, कमला नगर पहुँचते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे भाई वहाँ का क्या सीन है। कुछ समझ आता है नहीं आता हमारे को, ये नहीं पता, बस ये वहीं जाके पता लगेगा। One eternity later. भाई आफ्टर सो लॉन्ग यार मैं कमला नगर आया हूँ, मतलब 2 साल तो वैसे ही नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आया होगा, आई गेस 6-7 महीने। बट स्टिल भाई वही शॉप्स, वही सारी रोड, वही जहाँ से हम खाते थे। तो गर्मी बहुत है बस, बाकी तो सब सेम है। चेक कर कर कर, जल्दी कर जल्दी कर भाई। प्लेन नहीं आ रहा हूँ, प्लेन मेरे को ऐसे डिज़ाइन चाहिए फ्रंट एंड बैक दोनों पे, अच्छी सी देख। कोई कलर मेरे को सारे ब्राइट कलर चाहिए, डल कोई नहीं चाहिए, ये बेकार है। नहीं ये अच्छी लग रही है थोड़ी। हाँ पीछे दिखा, हाँ ये टेली वर्क के लिए अच्छी है, गुड, अच्छा स्टफ है। ये पकड़ ये निकालियो प्लीज। हाँ कलर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। मैं तो अभी से ही पसीना पसीना हो गया मैं तो। ठीक है, कितने की है ये? 300 बस। भाई जिया बहुत खतरनाक बार्गेनिंग कर रही है, मैं इसके साथ नहीं अंकल। ठीक है आपने आपने जो कह दिया, लो एक तो मैं प्राइस कम करवा रही हूँ, ऊपर से ड्रामा कर रहा है। दियो शीटो, ये लो अंकल ये पकड़ लो पहले। तो भाई हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं द सोल स्टोर, कला नगर में ही है ये, बता रही है काफी अच्छा कलेक्शन है इनका। यस ट्रू। ये देखो दिस इज नाइस, वाइड यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगी, वहाँ चल जाएगी। ओके आगे देखते हैं, आगे चल चल कोई नहीं। यार मेरे को ये ट्राउजर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। तू पहने हुए? मैं पहनता ही हूँ, मेरे पास है 5-6। मैंने पहनते हैं, ले ले। साइज देखो ना पहले, आपका है ये साइज 30? हाँ कुछ भी आ जाएगा, मेरे जितना बैगी उतना अच्छा। कलेक्शन तो बहुत ढासू है इनकी। हाँ। भाई ये व्हाट इज दिस? दैट्स व्हाट शी सेड, आई एम डेड इनसाइड। ये सारे सही है भाई, ये शर्ट नहीं अच्छी लग रही, कितनी प्यारी लग रही है भाई। बस यही है, ऊपर भी है क्या बॉयज का? आई गेस सो, तो ये ऊपर गर्ल्स का है ना। ठीक है बस यही है कलेक्शन। नहीं तू शॉर्ट्स पे ऐसे देख, नहीं मेरे को शॉर्ट नहीं चाहिए। दिस इज नाइस ब्रो, नहीं नहीं देख सकता है। ये सेकंड है, ये भी अच्छी लग रही है। हां इट्स लुक सो स्टैंडर्ड लाइक। हां ये पहन के मैं कहीं जा सकता हूं। हां लाइक फॉर डिनर में ना, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये ब्रो दिस इज नाइस, भाई जेन्युइन शॉर्ट्स अच्छी लग रही है तेरे पे। हां मेरे को पता है, कपड़े मेरे पे सारे ही अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी लग रही है ना,
इसका भी बहुत अच्छा ब्रांड है ना। ये बेच भाई, ये ब्लैक वाली मैंने हटा दी, ठीक है, ये दोनों मैंने फाइनल करी है अभी, और शर्ट मैंने ऑप्शनल रखी है अभी, तो ऑप्शनल वाली यहाँ रखते हैं, ठीक है, फाइनल वहाँ रखते हैं, ये वापस दे दें। भाई ये है, एक पैंट ली मैंने, क्या सीन है, कैसी है जी? मुझे अच्छे नहीं लगे। नहीं लगे ना, मेरे को भी ओके ओके लगी है, कोई बात नहीं है, 2000 इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। हटा, क्या सीन है फिर ये बता। दिस इज नाइस बट ये भी ओके लग रही है, लाइक रेगुलर वेयर लग रही है, कोई अट्रैक्टिव नहीं है। मेरे को भी इतनी कोई खास नहीं लगी है ना। मैं शॉपिंग तो डन है, ये लो भैया ने 100% डिस्काउंट नहीं दिया, बस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तगड़ा डिस्काउंट देंगे यार ये। चलो भाई शॉपिंग डन, अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना है। यहाँ पर हमारे अप्रॉक्स लग गए 3500, बट आउटफिट्स 2-3 आ गए, बढ़िया बढ़िया, अच्छा स्टोर है, मस्ट विजिट है भाई। उस स्टोर से एक चीज़ अच्छी हो गई, मैंने अपना नंबर रजिस्टर कराया तो हमारे को कैशबैक पॉइंट्स मिल गए, आई गेस 350 के करीब, तो नेक्स्ट शॉपिंग में 350 ऑफ मिल जाएंगे हमारे को, तो ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को अच्छी लगी। तो भाई अभी हम एक और स्टोर में गए थे बेवकूफ़ करके है, तो बस वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं थी, बट ठीक है उसका कलेक्शन ओके था, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। मेरे को यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, द सोल्ड स्टोर करके जो था उसका कलेक्शन बहुत अच्छा था, ठीक है आई गेस आज की शॉपिंग डन, बहुत हो गया, मेरे को गर्मी बहुत लग रही है, मैं टाइम भी बहुत फोड़ लिया। तो भाई हम लोग आ गए हैं भूखड़ कैफे, पाजी ने बड़ी अच्छी गाड़ी लगा रखी है महिंद्रा की, क्या लिया तूने? शोरमा, चिकन शोरमा लिया है भाई हमने, सही है भाई, अब तक टेस्ट तो खा के पता चलेगा, जेन्युइन हुआ तो भाई जरूर रिकमेंड करूँगा कि भाजी के पास आओ भाई। मेरे को तो वहाँ शोरमा ही नहीं मिलता, 2 साल बाद शोरमा खा रहा हो यार, हमारे वहाँ नहीं मिलता तेरे को पता, शोरमा नहीं है? नहीं कहाँ है, नहीं, एक आधा स्टोर है शोरमा का, वो भी कितनी दूर दूर जाके है भाई, बेस्ट है यार, इंडिया बेस्ट है। भाई लाइट जल रही है कि जलती है, क्या सीन है, जल रही है बहुत तेज़ी, मेरे को लग रहा है सही रियल गाड़ी को उठा के लगा दिया आपने, इंजन कहाँ है फिर। थैंक यू भाजी, सी यू अगेन, बाय बाय। ओ भाई अल्टीमेट भाई, इसी चीज़ की तो मैं क्रेव कर रहा था, वहाँ नहीं मिलता भाई ये, भाई बहुत अच्छा है यार, नहीं ठीक है इतना भी नहीं, इतना भी नहीं भाई, भाई असली मजा है लेमनेट पी के आया मेरे को सही में यार, शॉपिंग वॉपिंग तो चलती रहती है, प्रॉपर खट्टा प्रॉपर मीठा, देख ले देख ले क्रॉक्स, समझ आई है बढ़िया, अच्छी लग रही है, ले ले चलो यार यही अच्छा दे दो भैया, साइज देख ले बस, साइज देख ले, जो मैम का है वो देखेगी, साइज साइज एक बार फिर पहन के देखो, एक बार फिर पहना दो भैया, एक बार पहन के देखो, तसल्ली कर ले अपनी, फिर ले ले शोरमा दे यार। जी ने फाइनल ले लिए क्रॉक्स, ये जूते यहीं उतारे ही, क्रॉक्स पहन के घूमेगी अभी, चलो सही है, अच्छा क्रॉक्स अच्छे हैं, गुड है। चल भाई जिया बहुत चंट है भाई, जिया ने पिछले वाले क्रॉक लिए थे 650 के, अब वाले ली 450, बड़ी चंट है वो, चंट है, पर ठीक है उन बेचारों की बोनी नहीं हुई थी, वो कह रहे भाई हमारी बोनी करवा दो यार, चलो ठीक है जिया ने करवा दी। भाई साहब इसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था, चिकन शोरमा भाई, टू गुड सरदार जी, थैंक यू सो मच। हो भाई फाइनली निकल रहे हैं यार यहाँ से, हो गया बहुत बहुत घूम लिया कमला नगर, इससे ज़्यादा नहीं घूमा जा रहा बस, चलो भाई यहाँ से लेफ्ट लेना मैंने, ए अंकल जी चलो पार्किंग दे दी अब तो चले जाओ, सीधे से भी निकाल सकते हैं, नहीं भाई सीधे जाम होगा, अबे यार यार गाड़ी आ गई, सीधे से ही निकालो फिर, चलो भाई फाइनली घर पहुंच गए, गाड़ी यहाँ सेफ है क्या सीन है? ठीक है चलो फिर, यहाँ सेफ है तो बढ़िया, यहाँ गाड़ी लगाई है मैंने, अब यार एक तो ना यहाँ का सिस्टम ही अलग है, करूँ तो करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आता, गाड़ी पार्किंग पे तो मैंने लगा दी,
पीछे करके लगा देते यार, कोई आगे मार ही ना जाए। एक बार पीछे हल्की सी करके लगा दूंगा। दूसरी चीज, कपड़े निकाल ले तू गाड़ी से, घर पहुंच, मैं गाड़ी लगा के आ रहा हूँ। नहीं खराब है ये, मैं ही हटा रहा था कल, तो हमारी गाड़ी का टायर ही फट गया यार। देखो टायर ही फट गया, ये पत्थर घुसा इसमें, टायर फट गया। मजाक होगा भाई मेरे साथ यार। ओ मेरा भाई राहुल आ गया। आवी अब आते ही कांड हो गया भाई। यस ब्रो। अब भाई टायर फट गया, देखा तूने क्या हुआ है? नहीं मैंने देखा नहीं। एक बार देखिए क्या होगा, क्या तेरे को समझ आ जाएगा। मेरे तो भाई इतनी अक्कल है नहीं, क्या हुआ है ये। भाई भैया ने बहुत ज्ञान की बात करी है, हम स्टेपनी बदल के गाड़ी यहाँ लेके आ रहे हैं। मूवी देखने गए रात को मान लो, हाँ, पर जब टायर बैठ गया फिर क्या करोगे? तब ऑटो ओला करके आओगे इससे तो अच्छा। वेरी गुड भैया, थैंक यू सो मच। चल भाई टायर बदलते हैं, हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी। भैया हमारे पास होता है बस, स्टेपनी तो निकाल दी हमने, आगे हमें कुछ नहीं पता भाई। भाई मेरे को चेंज नहीं करना आता, मैं तो कहता उसको 100 रुपये दे लेके आ, मेरे को नहीं आता चेंज करना। पल्ली वाले को चला करते हैं, मैं मदद तो मैं करा ही दूंगा। अबे पहले वो दे पाना, पहले टायर के नट लूज कर सारे। ये हमारा रौनक खतरा भाई, ये भी हेल्प कराएगा हमारी। तो मैं कर दूंगा। तीन बंदे लग गए एक टायर में, तू ही कर देना भाई 50 रुपये। वो दे पाना भाई लग गए। ओए तू इस पे बैठ गया लिटरली। और कुछ गाड़ी में तेरे सामने है, तेरे को पता ही नहीं है तेरी गाड़ी में है क्या। अब तो मेरे को एक चीज तो बता, उसमें रिम लग जाएगा? उसमें रिम लग जाएगा, लगता है ना वो लगा उसमें। पहले नीचे देख ले जेब सही है भाई, देख लो भाई मेरे को नहीं पता ये लगाना कहाँ था, बाकी मेरे को आता है। लगे बंदे भाई अलग ही सीन। देखो लाइन के बीच में है, डाल उसको लाइन के बीच में बस। बहुत बन जाएगा, टायर बदलेगा फिर जा जा के। तू महंगी दिहाड़ी लियो 500 रुपये टायर। स्मार्ट बन के रहियो साले, सलमान खान की गाड़ी बदलनी पड़ेगी तेरे को। फिर तो 5 लाख रुपये टायर और क्या, 1 लाख रुपये लियो फिर। भाई फाइनली भाई चेंज हो गया टायर, मेरी हालत देखो अमीर से गरीब बन गया। तेरी हालत देखो, मैंने कुछ नहीं करा है। वैसे मैंने करा था कुछ नहीं है, इन दोनों नहीं करा। ओ यार ये मेरे तो वैसे ही गंदे हो गए यार जूते, यार काम खराब हो गया। ये देखना मेरे कितने गंदे हुए हैं। तेरे काले जूते हैं साले, मैंने वाइट पहने, कह रहा मेरे कितने गंदे। मेरे भी कर दिए कमी, ओह मेरी पैंट भी कर दी। ओ भाई ये कहाँ से गिर रहा है सब कुछ। चल कोई नहीं टायर बदल गया, ठीक है भाई। अब गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्टेपनी तो इन्होंने लगा दी है, वहाँ जाके पूछ के आते हैं क्या सीन होता है वो गाड़ी का। ए क्या यार फ्लैश लाइट है, मार रहा है कमी ना, देखियो। अरे यार ये हिला हुआ है ये। हाँ हाँ भाई। अरे यार चलो यार टायर का भी सीन करवा के ही आते हैं आज, ठीक है भाई। रिपेयर हो गया अगर वो वाला टायर तो मैं चेंज करा दूंगा, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। भैया जी आ जाओ जी, ऐसे नहीं खुलती है गाड़ी। देखना भाई खोलना जी। वाओ भाई इसका देखना क्या सीन कर सकते हो आप, बढ़िया सा कर दो कुछ। मेरे को लग रहा है भाई बंदे ने टायर जिस हिसाब से गिराया है ना उस हिसाब से इसने बता दिया होगा क्या दिक्कत है। कर देना ये सही कर ले, अभी करेंगे पहले पता तो चले क्या हो रहा है। वापस भी तो रखना है, गाड़ी इतनी दूर से चला गया है, नट उल्टा लगा रखा है बतरा ने। अरे ये उल्टा ही है, अब सोच ले कैसे कमा रहे हम। ओ भाई भाई चार उल्टे एक उल्टा था, चार उल्टे हैं। टाइट तो था ना भाई, पहुंच गया। अबे भाई ये सही में मरवाते हैं मुझे यार। सो भाई राहुल की बेस्ट फ्रेंड, आवाज लगा यार, राहुल की बेस्ट फ्रेंड इज बैक। यू नो
आजा भाई आनी हो गाड़ी रोक तो सही अच्छा हेलो कैसे हो कैमरा शायद तो नहीं है ना नहीं नहीं बस ठीक है मजा आएगा 500 प्लेट मोमोस ही हो जाएंगे ये साला मेरी चैनल देख रहा है मेरे को फन तो करने देता एक प्लेट मोमोस कर देना चिकन अब वो पहले करा दो फिर हम बता रहे हैं इतना हाँ खानी है खानी पीनी है पीनी मोमोस पीनी है हमने हाय गाइस मोमोस खा रहे हैं हाँ भाई फर्स्ट टाइम मोमोस दो साल बाद चलो क्या मोमोस नहीं खाए तूने यार खाए थे मैंने बट वो वैसे नहीं थे मतलब वाइब नहीं होगी ना हाँ दिल्ली वाली वाइब नहीं थी ओ भाई ये तो और ही चटनी है मिर्ची वाले बस ऑनलाइन चला तू भी ले मेरे को क्या दे रहा है छोड़ दे ओए ना रिएक्शन खराब करा दिया कोई ना मोमोज बहुत अच्छे हैं आपके पास और मौके भी हैं रिएक्शन देने के पर चटनी बहुत स्पाइसी है भाई बहुत ज्यादा स्पाइसी है नहीं है ऐसे ही मिलते हैं यहाँ पे वेलकम टू इंडिया राहत आ गई भाई कसम से मतलब अंदर से अच्छा लग रहा है पता है आप अभी भी कनाडा जाना चाहते हैं जान तो इंजॉय जाना पड़ेगा भाई मोमोज खाए मोमोज ठीक थे इतने कुछ मजेदार नहीं थे बट ठीक है अब हम दूसरी चीज खाने जा रहे हैं क्या खाने जा रहे हैं हम चिकन विंग्स भाई आ गए चिकन विंग्स कौन से फ्लेवर है चिकन विंग्स है हॉट चिकन विंग्स यार चलो सही है गरम हॉट ही होंगे यार फ्लेवर्स भी देंगे इसमें नहीं पूछ रहे हैं ये ले भाई जिया ओ भाई जेन्युइनली विंग्स खा के मजा आ गया मेरे दोस्त की दुकान है मुझे तो पता चला आयुष मेरा दोस्त आना कौन क्या नाम क्या है दुकान का क्रेविंग्स क्रेविंग्स मेरे को लगा कह रहा है क्रिंज भाई हमारा है पुदीना चिकन पुदीना ये वही है बंदा भाई भाई टेस्टी है यही आएंगे रोज ये अल्टीमेट है भाई बहुत मजा आ गया मेन्यू की बहुत चीजें ट्राई कर चुके हैं भाई बहुत अच्छा है यार एक चीज और बताऊं हरी इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है इलायची छोटी वाली हाँ। अभी तक तो नहीं आया भाई मेरे को तो आ रहा है बहुत मतलब बहुत स्वाद है यार लिटरली गुड है मजा आ गया भाई आयुष भाई को हैट्स ऑफ है अभी करना पड़ेगा हैट्स ऑफ करके जाएंगे लेके हाफ डन वहीं होता है माल शाम को 6 बजे से 11 बजे तक काउंटर है बेस्ट अंकल बेस्ट अपना काम इज बेस्ट अरे साले मेरी वीडियो बना रहा है मैंने YouTube सही है तो भाई फाइनली अब खा लिया घर जा रहे हैं घर पे बहुत गालियां पड़ रही है डिनर पे जाना है शुक्र है तेरा है मैंने कहा फिर मेरा आ गया भाई हेलो बाय बाय मिलते हैं प्लान बनाओ भाई ट्रिप बनाओ आप कोई ठीक है सही है चलो भाई राहुल भी जा रहा है यार मैं स्कूटी की चाबी अपने घर पे भूल गया वो स्कूटी हटा रहा है और स्कूटी हटाएगा बस मैं गाड़ी लगाऊंगा मैं घर जाऊंगा गूंज जाएगी ना हाँ बस गूंज जाएगी ये भाई मेरा हटा रहा है मैं पीछे ले लेता हूँ ठीक है कर दे यार मैं लेके आऊंगा फिर ओके मेरी जान मिलते हैं बाय बाय भाई फाइनली जिया चाबी लेके आ गए सारे काम डन अब जा रहे हैं घर भाई मेरे दोस्त का ना मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन का जिगरी यार जो होता है ना शुभम खारी उसका फ़ोन आया उसके 2-3 फ़ोन आ चुके हैं और मेरे को कह रहा है कि भाई कुछ काम था तेरे से तू घर पे कब आएगा और वो रहता है लंदन में ठीक है तो मैंने उसको कहा था यार मैं इंडिया आ गया तू मेरे से मिलने नहीं आया ये वो तो अब मेरे को लग रहा हूँ मेरे से मिलने आया और मेरे को सरप्राइज़ करना चाह रहा है
बट वो मेरे को ये बहाने मार रहा है कि भाई मेरा कोई दोस्त आएगा तेरे घर को सामान रखवाने, ये वो है, ऐसे बहाने बुने मार रहा है। देखो मैं कॉल करता हूँ उसे, देखते हैं सीन क्या है उसका, ना पोल खोलते हैं, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा हिंट ऐसे हुआ, उसका कॉल आया, मैं उससे बात कर रहा था और पीछे से ना हॉर्न की आवाज़ आ रही थी पी 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 करके बार बार। मैं फोन ही नहीं उठा रहा यार ये नकली। हाँ बोल। आप भी आए हो मेरे भाई, जस्ट अभी आया हूँ। ठीक है मेरे भाई, तू रुक, फिर 10-15 मिनट के टाइम दे मुझे, तो उसको भेज रहा हूँ। 10-15 मिनट में भेज रहा है उसको? हाँ बस वो आता ही होगा। उसको उसको बोल दे जल्दी आ जाए, क्योंकि फिर मेरे को यार वो फिर बॉबी आ रहा है, फिर मैंने उसके साथ जाना था, तो उसको बोल दे जल्दी आ जाए, थोड़ा देख ले। ठीक है ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं फोन करूंगा जैसे ही आएगा, मैं कॉल कर दूंगा क्या सामान है। ठीक है ओके मेरा भाई ओके। ओ मेरे को पता था गया। मैंने मम्मी आपको कहा था यार दरवाजा लॉक करो यार, मैंने आपको बोला था, मैंने मुझे सुनते भी तो नहीं है यार, मैंने बोला भी था दरवाजा लॉक कर। मिले मुझे कहते कैसे बेटा? कितना लंबा हो गया, और भी लंबा हो गया ये, और भी लंबा हो गया ये भाई। मानोगे आज से कितने साल, 20 साल हो गए? नहीं 20 तो नहीं हो गए, 40 हो गए मेरी 15 साल हो गए होंगे आराम से, 15 साल तो। हाँ 12-15 साल पहले भी भाई यहीं पर ही एक दूसरा सोफा था, यहीं बैठ के हम लैपटॉप में गेम खेला करते थे, GTA Vice City। दादी बैठी है इसलिए स्पीक इन इंग्लिश। भाई उस टाइम हम 10-12 साल के थे जब ये GTA Vice City का मिशन करने आता था, यहीं बैठते थे हम सिलेंडर के लिए। ओ भाई वो टाइम यार अल्टीमेट था यार, बचपन से हम दोनों साथ में। भाई ये फोटो नहीं दिख रही गाइस, फोटो देख लो ऊपर भाई, वो 6-2 पता नहीं कितना लंबा ही हो जा रहा है ये, 6-2 ये कितना हो गया, तो 6-3 या 6-4 तो कितना हो गया पहले, 6-2 ये 6-2 पहुंच गए भाई, 3 साल बाद मिल रहा है, बेशरम को शर्म नहीं आ रही, 3 से भी ज्यादा हो गए भाई, बिल्कुल ही नहीं शर्म आ रही अब तो, बोल रहा है खुद से। कॉलेज में जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था याद कर, तो मैं वहाँ चला गया था बीच में, और फिर तू यहाँ था, तू दूसरे गुड़गांव में आया था, मैं बीच में 1 साल के लिए आया था, कहाँ मिले थे हम, तब भी नहीं मिल पाया था, मिला था मेरी मुश्किल से एक बार मिला होगा, ये हुआ कुछ ना कुछ हुआ था, हम मिल नहीं पाए थे भाई। ये देख लो जिगरी यारी, अभी तक हम साथ में हैं भाई, आ गए हम अंकल जी की दुकान पे दोबारा से। अंकल बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये। अरे नहीं भाई, अपना चिकी विकी ब्लॉग्स है। अपना चैनल का नाम चिकी विकी, चिकी विकी ब्लॉग। बाबू यार मेरे को वैसे चैनल का नाम बता यार कोई। हां यही है यही है, सुन अंकल फेमस हो रहा मजाक सट का, ये अंकल फेमस हो गए, वीडियो जाएगी आपकी। अगला स्टॉल क्या नाम है अंकल? भाई न्यूट्री खा गए हम दोनों, खा गए मजा। ओके अंकल जी थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय। अंकल जी ने एक स्पेशल ऑफर रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, जो भाई का नाम लेके आएंगे इधर, मात्र एक बार अंकल जी को दिखाओ इधर, 1.5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप भाई का नाम लोगे, 50 पैसे का अलग से मिलेगा अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ गए तो। अंकल जी भाई 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है पागल। केडी नाम बोलना, केडी केडी अरे केडी कह के जो भी आए दे देना अंकल, जो आपका मन करे वो कर देना, एक्स्ट्रा ग्रेवी कर देना, एक्स्ट्रा ग्रेवी कर देना, एक्स्ट्रा ग्रेवी उस पे चटनी में मिलेगी। ओए ओए इस दुकान के लिए आपको कहाँ आना है भैया, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखिए तुमने नहीं भाई इधर आ जाइए के लिए कहाँ आना है, करे यहाँ जाइए, त्रिनगर में आना है भाई आपने खाने के लिए, त्रिनगर में पुराना बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के पास अंकल जी न्यूट्री वाले सुसु घर के पास। अब वो पागल हकीकत है, झूठ नहीं है भाई। ये देखो यार वॉफल की दुकान खुल गई यार केशवपुर में, मेरे को तो पता ही नहीं था यार, खाएंगे यार। कौन सा बोला ये राउंड वाली, कौन सा वाला बोला, बीच वाला तवा नहीं है, 2 स्कूप्स आइसक्रीम आएगी वनीला, हाँ वनीला एंड चॉकलेट आपकी चॉइस होती है, एक वनीला भाई वॉफल तो गजब गजब के हैं यार, और क्या कहते हैं भाई इतने भुक्कड़ है, हमने सीधा खाना शुरू कर दिया, वॉफल तो जोर का है बहुत, ये अच्छा है बस मेरे को आज तक ना वॉफल तोड़ना नहीं आया,
तोड़ना क्या हाथ से खाएगा? मैं भी सोच रहा हूँ हाथ से लग जाते हैं, चम्मच कांटा छोड़ देते हैं। चल ये भाई मजा आ गया, इतनी बढ़िया इन्होंने वॉफल बना के खिलाना। ओए होए 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 मजा आ गया। और मेरा एक क्वेश्चन है भाई से, एक बारी कैमरा यूज़ कर एक बात बताओ, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे आप आइसक्रीम देते हो, वॉफल देते हो और उसमें चॉकलेट भी होती है, तो मैं अगर डेयरी मिल्क लिया हूँ और दूध दे दूँ आपको वैसे ही, है दूध डिस्काउंट दे दो वॉफल? ये पागल हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो दोगे, मैं तुम्हें चॉकलेट दे रहा हूँ, दूध भी दे रहा हूँ, जिससे आइसक्रीम दे रहा हूँ। गाय ला दे, तू भी गाय बांध दे पीछे, गाय बांध दो यार अपने यहाँ से, पूरा तो बाकी गाय बांध दे भाई, मजा आ गया। गाय लाएंगे नीर, गाय बड़ी आली गाय, नहीं दे देंगे तुम्हें, तुम उसका दूध निकालोगे गलत तरीके से, मुझे पता। ओ भाई मजा आ गया।